नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पेशकार, जो एक बेसिक पेशकार है, और उसके बाद मैं आपको दिल्ली घराने का फेमस कायदा, जो बहुत ही फेमस है, काफ़ी लोग उसको बजाते हैं और सीखते भी हैं, और ख़ास करके हम उस पेशकार से और ये जो कायदा मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों से हम तबले की बहुत सारी चीज़ें, बेसिक हैंड मूवमेंट को हम सीखते हैं। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कायदा सिखाऊंगा। हैंड्स मूवमेंट आपको पता ही है तबले पर। इस कायदे की खासियत यही है कि इसको हम दो उंगलियों से बजाते हैं, टेटे जो टेटे है इसमें, इसको हम दो उंगलियों से बजाते हैं, टेटे इस तरह से। बनारस घराने पर तीन उंगलियों से बजाते हैं। तो बनारस घराना जब हम बजाते हैं तो ये वेट इसमें ज़्यादा हो जाता है और स्पीड इसकी कम हो जाती है। तो अगर हम धाटे धाटे का जो कायदा है वो अगर हम बनारस घराने के हिसाब से बजाते हैं तो इसकी स्पीड कम होगी, वज़न ज़्यादा होगा। वज़न मीन्स कि वेट ज़्यादा होगा। एक बार मैं बनारस घराने के हिसाब से आपको बजा के दिखाता हूँ। दिल्ली घराने के हिसाब से बजा के दिखाता हूँ। तो दिल्ली घराने में मैंने दो उंगलियों से टेटे बजाया, बनारस घराने में तीन उंगलियों से का यूज़ किया मैंने ते बजाने में। तो बस यही इसमें अंतर है। तो सिंपल सा कायदा मैं आपको स्टार्ट से बजाता हूँ। हा ते टे, टेटे हम बजाएंगे दो उंगलियों से। खासियत ये रहेगी कि बिल्कुल मिडिल में से आई के ते और टे बजे बजना चाहिए। ते टे ये आ ते टे आ ते टे, तब टेटे की साउंड भी क्लियर आएगी और वेट भी सही आपका लगेगा इस तरह से। तो बोल हैं इसके धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा गे तीना 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 भी बोलते हैं, तीना भी बोलते हैं लोग, तीना तीना। इसके बाद खाली बजाएंगे ता ते टे ता ते टे ता ते टे धागे धिन्ना गिन्ना या धीना गीना धीना गीना। धीना में दिन तिन को गे के साथ मिलाएंगे, तिन और गे, तो ये दिन बनेगा। धीमा धीमा या धीमा धीमा धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धागे पीना पीना ता ते टे ता ते टे ता ते टे धागे धीमा धीमा। अब इसी को हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले इसको बहुत ही विलंबित लय में, या मैं कहना चाहूँगा कि स्लो में बजाना है। कैसे? टेटे का कायदा है, फेमस कायदा, इसमें टेटे का जो रोल है सबसे ज़्यादा सुनाई टेटे ही देना चाहिए। तो टेटे पर ज़्यादा हमने ध्यान देना है, जोर देना है कि टेटे क्लियर सुनाई देना चाहिए। और इसका मैं एक पलटा भी आपको बजा के बता देता हूँ। पलटा बहुत सिंपल है, चार बार बजाएंगे धा धा टेटे धा धा टेटे धा धा टेटे धा धा टेटे। उसके बाद फिर वही धा टेटे धा टेटे धा धा फिर इसका खाली ता ता ते टे ता ता ते टे ता ता ते टे ता ता ते टे धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धागे धीना धीना। थोड़ा सा स्पीड में बजा के दिखाता हूँ मैं। तो ये इस तरह से इसको हम
प्ले करेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड भी हो सकती है जितनी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको स्लो ही बजाना है। तो ये हो गया हमारा दिल्ली घराने का कायदा। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बेसिक पेशकार, जो हम जब भी कोई तबला प्ले करते हैं, तबले का जो मेन पार्ट है वो पेशकार है। पेशकार में ही सारा तबला आपका आ जाता है, मतलब कि कहना चाहिए कि तबले का पूरा सार पेशकार में ही होता है। तो हम बहुत बेसिक चीज़ पेशकार की सीखेंगे। पेशकार हमारे जो गुणीजन है वो ये बताते हैं कि पेशकार कुछ इस तरह से होता है जैसे मदमस्त हाथी की चाल, या एक डगमगाते हुए व्यक्ति की चाल मैं कहना चाहूँगा, जो असंतुलित तरह से जो चलता हो व्यक्ति, उसकी चाल को पेशकार से हमने जोड़ा है, उसी तरह का पेशकार होता है। बहुत ही खूबसूरत ये पार्ट है तबला सोलो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको भी, पेशकार के बोल में ज़्यादातर कृधा, धाती, गिड़नक, घिड़नक इस तरह के बोल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा पेशकार है। हम बजाएंगे आ क्र, तो ये क्र है, क्र इसको ऊपर से ही बजाना है। आ क्र धाती, आ क्र धाती, आ धा दिन ता, ये एक बोल है धा क्र धाती धा धा दिन ता, 16 मात्रा में धा क्र धाती धा धा दिन ता धाती धाती धा धा दिन ता ता क्र धाती ता ता दिन ता धाती धाती धा धा दिन ता। तो ये तो ती हम बजा रहे हैं, ये चूंकि वजन हमने देना है इस पेशकार में, इसलिए हम इसको तीन उंगलियों से बजा रहे हैं। जैसे हम टेटे में हम एक उंगली से टेटे बजा रहे थे, लेकिन पेशकार में कभी भी हम धा इस तरह से नहीं बजाएंगे, तीन उंगली से ही बजाएंगे वेट के साथ। तो हम ऐसे बजाएंगे, यह हथेली का पार्ट यहाँ लगना चाहिए। फिर खाली ता 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 ता। तो ये एक पेशकार है।